मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति में युवा अब केंद्र में आ गया है। दरअसल 30 लाख युवा ऐसे हैं जो 2023 में पहली बार वोट डालेंगे और कांग्रेस बीजेपी से लेकर रणनीति बनाने में जुट गई है। ये रिपोर्ट देखिए। एमपी के चुनावी रण में युवाओं का दम, 2023 युवाओं को साधना अहम, युवा कांग्रेस को नाथ ने सौंपी जिम्मेदारी, युवाओं को रिझाने बीजेपी ने भी शुरू की तैयारी। युवा कांग्रेस को कमलनाथ ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। यूथ कांग्रेस माइक्रो लेवल पर धर्म, जाति और स्थानीय नेताओं की लिस्ट बना रही है। जल्द ही यूथ कांग्रेस में बड़ा परिवर्तन भी दिखने वाला है, क्योंकि कमलनाथ ने पदाधिकारियों के साथ मंथन किया है। चुनाव में रणनीति बनाना बहुत जरूरी है और उसमें धर्म, जाति, संप्रदाय, इनका भी बहुत विशेष भूमिका रहती है। तो हमारा पूरा जो फोकस है कि जो भी जातिगत समीकरण होते हैं, धार्मिक समीकरण होते हैं बूथ स्तर पर, उनको ध्यान रखते हुए वहाँ पर नियुक्तियाँ कर वहाँ पर लोगों को जोड़ने की एक पूरी मुहिम चालू करें। और इस पर निश्चित तौर पर इस बार माइक्रो लेवल पर काम हो रहा है और इसका असर, ज़बरदस्त असर आपको 2023 के चुनाव में देखने मिलेगा। उधर शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक में भी यूथ पर नीति लाने की बात कही गई है। चुनावी साल में यानी 13 जनवरी को युवाओं के लिए यूथ पॉलिसी आएगी। 13 जनवरी को यूथ पॉलिसी लॉन्च होगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी हर उस रणनीति पर काम कर रही है जो 2023 के विधानसभा चुनाव को जिताने के लिए जरूरी है। आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में 18 से 21 साल के 30 लाख नए युवा मतदाता 2023 की सरकार चुनेंगे। प्रदेश में 30 लाख युवा मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। जाहिर है यूथ के इन आंकड़ों ने सियासी दलों को नई रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज़।